24/7 teachers training, a lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram teacher, Assalamu alaikum. Snowman Publishers ki janib se khush aamdeed. Kisi bhi zaban ko seekhne ke liye, char maharaton par ubur hasil hona chahiye. Ye hain sunna, bolna, padhna aur likhna. Is malumati video mein, in tamam maharaton ka khas khayal rakha gaya hai, taaki bachche har zaviye se urdu zaban par ubur hasil kar lein. इस सेशन में हम बात करेंगे हर्फ गाफ पर. सबक पढ़ाते वक्त दर्जेल निकात का ख्याल रखें, सुनने और बोलने की सरगर्मी. अगर मुमकिन हो तो बच्चों के साथ दायरे में बैठें या कुल जमात की सूरत में सबक का आगाज करें. सबसे पहले बच्चों को अपनी पसंदीदा सब्जी का नाम बताएं, जैसे मुझे शलजम पसंद है. इसके बाद अपने पास बैठे हुए बच्चे को कहें कि वो अपनी पसंदीदा सब्जी का नाम बताए. इस तरह तमाम बच्चों को मौका दें कि वो अपनी अपनी बारी पर बोलें. इसके बाद बच्चों को गाजर की तस्वीर दिखाएं और पूछें, क्या वो इसको पहचानते हैं? ये क्या है? इसका रंग क्या है? जो बच्चे दुरुस्त जवाब दें उनकी हौसला अफजाई करें और बताएं कि ये गाजर है, ये एक सब्जी है. फिर बच्चों से पूछें, किस किस को गाजर पसंद है? इसका जायका कैसा होता है? बच्चों के जवाब सुनने के बाद उनको बताएं कि इसका जायका मीठा होता है. फिर गेंद की तस्वीर दिखाएं और इसके मुतालिक सवालात पूछें. इस दौरान बच्चे अगर कोई गलती करें तो उनको डांटे नहीं बल्कि इस्लाह करते हुए उनकी हौसला अफजाई करें. हर्फ गाफ की पहचान और जखीरा अल्फाज की सरगर्मी. बच्चों को बताएं कि वो आज हर्फ गाफ, इसकी आवाज और जखीरा अल्फाज को पहचान सकेंगे. हर्फ गाफ को दुरुस्त अंदाज से निकात की मदद से लिख सकेंगे. तख्ताए तहरीर पर गाफ लिखें. बच्चों से कहें कि ये गाफ है और गाफ कहता है ग. गाफ की आवाज निकालें. किताब की मदद से गाफ की आवाज के साथ जखीरा अल्फाज दोहराएं. गाफ ग गुलहरे, गाफ ग गुलहरे, गाफ ग गुलहरे, ग गाजर, ग गेंद. कम से कम तीन बार दोहराएं. गाफ से गुड़िया, आफत की पुड़िया. बच्चों को हर्फ के नाम और आवाज की अलग अलग पहचान करवाएं. इन्हें बताएं कि यह हर्फ गाफ है और इसकी आवाज ग है. हर्फ गाफ की लिखाई की मश्क. सबसे पहले बच्चों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें, फिर इन्हें पेंसिल पकड़ने का तरीका बताएं और दुरुस्त अंदाज में बैठने की मश्क करवाएं. तख्ताए तहरीर पर चार लाइनें लगाएं. इस पर हर्फ गाफ लिखें. बच्चों को हर्फ गाफ दुरुस्त अंदाज से लिखना. नज़्म गाफ लाइन पर लेटा हुआ, गाफ के ऊपर दो मरकज गाकर सिखाएं. बच्चों को हवा में डेस्क पर या हाथ पर उंगली की मदद से लिखवाएं. बच्चों को कहें कि वो किताब पर हर्फ गाफ निकात की मदद से लिखें. इसके बाद बच्चों को कहें कि वो किताब में मौजूद हर्फ गाफ के खाके और तस्वीर में रंग भरें. हर्फ गाफ की मश्क के लिए वर्कशीट स्नोमैन पब्लिशर्स की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है. वेबसाइट का एड्रेस है www.snowmanpublishers.com. Thank you.